हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं हिमाचल प्रदेश के कसोल में। ये मेरे पीछे आप बहती हुई नदी देख रहे होंगे और आपका भी यहां पर आने का मन कर रहा होगा क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है। कसोल में जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी और ये धीरे धीरे फेमस होने वाली ऑफबीट प्लेस है। तो कसोल में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, क्या आपका यहाँ पे खर्चा हो सकता है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ कौन कौन सी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और क्या यूजफुल टिप आपको जाननी चाहिए यहाँ पर आने से पहले, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए कसोल। कसोल के लिए मेरी जर्नी की शुरुआत हुई मनाली से, जहां से बाय बाइक मैं कसोल के लिए निकला। मनाली से मैं जा रहा हूं कसोल के लिए इन खूबसूरत रास्तों से। रोड बहुत ही शानदार है और जो दूरी पड़ती है मनाली से कसोल की वो लगभग 75 किलोमीटर है और कुल्लू से एक रास्ता कटता है मणिकरण का, उसी रास्ते पे कसोल पड़ता है। मैं चल पड़ा हूँ बुलेट से जो कि मैंने हायर की है और कैसे हायर किया है वो सारी डिटेल आगे मैं वीडियो में बता दूंगा। बाकी आप ये वादियों को देखें, बेस रिवर की जो अभी फ्लो है काफ़ी बढ़ी हुई है क्योंकि जून का मौसम है, मॉनसून का मौसम है और जो बर्फ़ का पानी है गलते हुए अब नदी बन चुकी है। बाइक आप मनाली या कसोल दोनों ही जगह से हायर कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। बाइक या स्कूटी आपको अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की मिल सकती है और हायर करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी प्रूफ होना चाहिए। मनाली से कसोल आप बाई बस या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। बस से आप 150 से 200 रुपए में कसोल पहुंच जाएंगे, जबकि बाय 4 सीटर कार 2 से 2500 रुपए तक लग सकता है। आप भुंतर या कुल्लू से भी टैक्सी कर सकते हैं, जहां से 700 रुपए से 1000 रुपए लगते हैं और यहां से कसोल की दूरी केवल 30 किलोमीटर है। मनाली पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और अभी मैं कुल्लू पहुंच चुका हूं। ये आप देख रहे होंगे पूरा कुल्लू है, बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है और नीचे बेस रिवर बह रही है और लगभग 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। बाल मेरे ख़राब हो गए हेलमेट की वजह से और यहां से अब कसोल आगे कट पड़ता है, वहां से लेफ्ट साइड घूमना होता है जो कि वहां से लगभग पड़ता है 30 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा, फिर आप कसोल पहुँच जाएंगे उस कट से। तो अभी तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही है लेकिन कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो केवल टी शर्ट पहना है मैंने लेकिन अपने साथ गर्म कपड़े जैकेट्स वगैरह ज़रूर रखें। और किसी मौसम, अभी तो जून का टाइम चल रहा है बट और किसी मौसम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी में भी आप आते हैं तो आपको ठंड लगेगी और जैकेट वगैरह ज़रूर अपने साथ कैरी करें, साथ ही पानी की बॉटल वगैरह भी रखें और सनग्लासेस भी लगाएं। मैंने ये एक बकवास सा लिया हुआ है, ख़राब लग रहा है पहनने में लेकिन आंखों की सेफ्टी भी इसी से हो रही है तो इसको मैंने ले लिया है। देख लो आप, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुल्लू से कसोल की तरफ टर्न लेने के बाद इस रास्ते पर आपको लगभग 20 किलोमीटर अंदर केवल एक ही पेट्रोल पंप मिलेगा। साथ ही बीच बीच में खाने पीने की दुकानें और होटल्स भी दिख जाएंगे। लगभग दोपहर के 3 बजे 4 घंटे की जर्नी रुकते रुकते करते हुए मैं कसोल पहुंच ही गया
और सीधे पहुंचा अपने कैंप में। कसौल में मैंने यहाँ पे कैंप लिया हुआ है और कैंप में ही मैं रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे क्या कैंप वगैरह के खर्चे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस कैटेगरी के यहाँ पे आपको टेंट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है, जो सबसे छोटा टेंट है, और इसको दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा ओपन करके। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा कैंप है, केवल यहाँ पे स्टे करने की सुविधा इसके अंदर मिल रही है। और इसका जो चार्ज है वो है 1500 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें दो लोग रहेंगे तो मतलब 3000 रुपये। पर इसका सस्ता तरीका कैसे, सस्ते में कैसे ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होगा, जो मैंने रेट बताया है। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर कैंप लिया है, ये सबसे प्रीमियम कैटेगरी का यहाँ का टेंट है। आपको लाइट में शायद परेशानी हो रही, इसमें आप देख रहे होंगे 3 बेड लगे हुए हैं, फैन भी है, और यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम भी है। तो वॉशरूम के साथ आपको ये सबसे प्रीमियम यहाँ का जो कैंप है वो है, ये है 2000 रुपये का। ये भी कैसे सस्ता होगा वो भी मैं बताऊँगा आगे। अब इसके बाद एक आता है, जैसा मेरा कैंप है उसी तरह का कैंप है, लेकिन उसमें कोई अटैच बाथरूम या लैट्रिन नहीं है। तो इसका जो प्राइस है वो लगभग आपको 1700 रुपये पड़ेगा। अब मैंने जिनसे बुक कराया हुआ है, यहाँ का पैकेज मैंने लिया हुआ है, तो मैंने यही कैंप जो मेरा है वो लगभग 1700 रुपये में लिया हुआ है। और जो 1500 का कैंप है सबसे छोटा वाला, वो 1200 में मिला हुआ है। और ये जो कैंप आप देख रहे हैं, जो अटैच बाथरूम लैट्रिन नहीं है जिसमें, और मेरे जैसा ही है, डिलक्स कैंप कहते हैं इसको, इसका प्राइस लगभग 1500 का पड़ेगा। और इन सभी में ब्रेकफास्ट या डिनर इंक्लूड होगा। अगर आप पैकेज लेते हैं तो मैंने जिनसे पैकेज लिया है, संजीव राठी जी हैं, सॉरी, उनसे पैकेज लिया हुआ है। तो अगर आप उनसे पैकेज ले लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट डिनर अगर आप नहीं भी लेते हैं तो 300 रुपये सब में कम हो जाएंगे। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकफास्ट डिनर ले लें, क्योंकि कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे महंगा है खाना वगैरह, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ का पैकेज लेते हैं 2 नाइट्स 3 डेज़ का, जिसमें आपको कैंप तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर खीर गंगा की ट्रैक भी कर सकते हैं। मतलब एक नाइट स्टे कैंप में और दूसरी नाइट का स्टे आपको खीर गंगा ट्रैक का मिल जाएगा। वो लगभग आपका 5500 का पैकेज पड़ेगा, और साथ ही साथ जिसमें आपको पिक एंड ड्रॉप दिल्ली से भुंतर तक का मिलेगा, और फिर भुंतर से यहाँ तक का भी लगेगा। अगर आप कंपेयर करने चलेंगे कि भुंतर से यहाँ तक ही आते हैं तो लगभग आपका 800-900 रुपये खर्च हो सकता है। और इसके अलावा आप दिल्ली से यहाँ तक आएंगे, भुंतर तक आएंगे, तो वो भी आपका लगभग 1200-1500 रुपये पड़ेगा। मतलब कि अगर दो लोग का देखेंगे तो 3000 रुपये ये लग जाएगा। कैंप अगर यहाँ डायरेक्ट लेने आएंगे तो वो 2000 रुपये एक पर्सन पे लग जाएगा। मतलब वो अगर देखने लगेंगे, आप सेपरेटली सब चीज़ कराएंगे, तो 7000-8000 रुपये खर्च हो जाएगा। लेकिन मैंने जिनसे पैकेज कराया है उनसे अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है संजीव राठी जी का, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते में हो जाएगा। 5500 रुपीज़ में 2 नाइट्स 3 डेज़ का कसौल का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट डिनर प्रीमियम कैंप मिल जाएगा, प्लस आपको दिल्ली से यहाँ तक का कसौल तक का आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है और आप ले भी सकते हैं, क्योंकि मैंने लिया है और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी इसमें समझ में आया है। और खीर गंगा की ट्रैक भी मिलेगी, तो वो भी यहाँ का तो सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप चाहे तो ग्रहण का भी, खीर गंगा की जगह ग्रहण का ट्रैक कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी मुझे जो समझ में आया है, यहाँ पे कसौल में पैकेज लेना ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप सेपरेटली सब चीज़ कराते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, और ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह भी अलग अलग लेते हैं तो वो भी काफ़ी महंगा पड़ेगा। कसौल में आज की शाम मैं पहुंचा मणिकरण गुरुद्वारे में, जो काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, और मनाली से काफी सारे टूरिस्ट यहाँ की डे ट्रिप के लिए भी आते हैं। मणिकरण गुरुद्वारा पार्वती रिवर के किनारे बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच बसा है। मणिकरण गुरुद्वारा 24 घंटे दर्शन और लंगर के लिए खुला रहता है, और यहाँ सेवादार 24 घंटे सेवा के लिए अवेलेबल रहते हैं।
यहाँ पर रहने की भी सुविधा है, जिसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट आकर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरी तरह से फ्री है। मणिकरण गुरुद्वारे में लंगर के लिए बड़ा किचन है, जहाँ सेवादार हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। पिछली बार मणिकरण गुरुद्वारे में मैं लंगर चखा था और इस बार फिर से दर्शन करने के बाद यहाँ पे लंगर चख रहा हूँ। चावल में रोटी है, कढ़ी है और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। और जब भी मतलब यहाँ पे दूसरी बार मुझे आने का मौका मिला है और वाहेगुरु की कृपा है, और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी ऐसी कृपा बनी रहे और मैं यहाँ खाता रहूँ। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु। गुरुद्वारे के पीछे ही मार्केट भी है, जहां आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही यहां पर एक गर्म पानी का कुंड भी है, जहां पूरे साल भारी ठंड में भी गर्म पानी आता रहता है, जिसमें लोग अपनी मान्यता अनुसार चावल भी पकाते हैं और नहाते भी हैं। मणिकरण साहिब में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये गर्म कुंड इतना ज़्यादा है कि इसमें तो उबल रहा है और बगल में ठंडी नदी, बर्फीली नदी बह रही है। और यहाँ पे लोग चावल पका रहे हैं उसमें, और जमीन, जिस ज़मीन पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, वो पूरी तरह से एकदम गर्म गर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो लगा हुआ है इसीलिए ताकि लोग उस पर चल जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर गर्म है। तो बहुत ही अद्भुत जगह है और यहाँ पर ज़रूर आप आएँ, आपको यहाँ पर आके लगेगा किसी दिव्य जगह पर आप आए। यहाँ पर मैंने 2 घंटे बिताए और चल पड़ा कसोल की नाइट लाइफ एंजॉय करने। लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ थोड़ी अलग होती है और मेरे लिए ये सब देखना ही बिल्कुल अलग था। इसलिए बस यहाँ के डिनर का लुत्फ उठाया। कैंप में मेरा डिनर रेडी है और यहाँ पे एक खास बात है कि आप अपने मन से जो चाहे वो बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स मेन्यू है कि आपको दाल रोटी या चावल खाना होगा। मैंने यहाँ पे मंगाया हुआ है चिली पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और दूसरा है ये चिली पोटैटो, और साथ ही साथ रोटी मंगाई है और राइस है। काफ़ी टेस्टी खाना दिख रहा है और इसको ट्राई करता हूँ मैं। मस्त है, ऐसा अगर मिला तो क्या बात है कि आपको जो मन है वो खाओ। फिक्स मेन्यू भी नहीं है, अपने मन से जो मन जाना है बस खाते जाओ खाते जाओ। अनलिमिटेड भी है, ये भी खाना। मैं जिस कैंप में रुका हूँ, मैं वहाँ से एक और खास चीज़ है, वो रिवर साइड है और मैं वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेगा। तो आपने देख ही लिया होगा मेरा जो कैंप है वहां से ये कुछ ही दूरी पर रिवर साइड कैंप है मेरा। तो पार्वती रिवर का व्यू दिख रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ड्रिंक करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक परफेक्ट प्लेस आपके हनीमून के लिए हो सकती है, चाहे आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसके लिए हो सकती है। तो अमेजिंग प्लेस है और मज़ा आएगा आपको ये व्यू देख कर, आपको यहाँ पे करके और कसोल घूमकर। कसोल की टूरिस्ट प्लेसेस और अधिक जानकारी के लिए आप कसोल का सेकंड पार्ट जरूर देखें।